नमस्कार दोस्तों, आर एस डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में स्लीव डिजाइन बनाना बताएंगे। तो देखिए, जो स्लीव बनाएंगे उसकी तैयार लंबाई 3.5 इंच होगी। छोटी स्लीव का ये डिजाइन है, तो 1 इंच से हमने ज़्यादा लिया है, पूरी लंबाई इसकी 4.5 इंच ले ली है। अब देखिए, पहले सिंपल स्लीव कट कर लेना है, ये निशान 2.5 इंच पर बनाएंगे। इस तरह से सिंपल स्लीव कट कर ली है। अब देखिए, 1.5 इंच की इस पर गोलाई दे देना है। अब देखिए, इस पर सिलाई लगाना है। सिलाई लगाने के बाद इसे कट कर लेना है। कट करने के बाद देखिए, कट लगा देंगे जहां पर गोलाई दी है, तो इस तरह से कट लगा देंगे। अब इसको पलटना है, सीधी साइड करना है। पलटने के बाद इस पर सिलाई लगाना है। तो इस तरह देखिए, सिलाई लगा दी है। अब देखिए, इस तरह और भी कपड़ा कट कर लेंगे। इससे हमें पट्टी बनानी है, तो सीधा कपड़ा नहीं लेना है, तिरछा कट करना है। तो इस तरह देखिए, इसे पलट लिया है। तो इस तरह देखिए, 2.5 इंच का चौकोर कपड़ा कट कर लेना है। अब इसे इस तरह से डिजाइन बनाएंगे। एक साइड से इसको इस तरह घुमाएंगे, उसके बाद देखिए इस तरह से डिजाइन बन के आएगी। अब यहाँ पर पकड़कर अच्छे से सिलाई लगा देना है। तो इसी तरह से दो और बना लेनी है। तो इस तरह से देखिए, 3 डिजाइन बना ली है। अब देखिए, इसको इस तरह यहाँ पर लगाना है। पहले इस पर हाथ से सिलाई लगाकर इसे सेट कर देंगे। अब देखिए, पट्टी लेंगे, इस तरह इसको लगाना है। तो इस तरह देखिए, इसे लगा दिया है। अब देखिए, डोरी लेंगे और इस पर दोनों साइड लटकन लगानी है छोटी छोटी।
तो इस तरह देखिए इस पलक का लगा दी है। अब देखिए एक बटन लेंगे, इस तरह से यहाँ पर बटन को लगाना है। उसके बाद देखिए इसको इस तरह से लगाएंगे। तो इस तरह देखिए इस पर अच्छे से सिलाई लगाकर बना देना है। तो ये स्लीव डिजाइन बनके तैयार है। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए डिजाइन के साथ। धन्यवाद।